बहुत मजा आता था इस क्लास में। हम भी बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत याद आती है क्लास, मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। उसी क्लास उसी याद में आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब मैं आपका, आपके इस ग्रुप ने माशाल्लाह बहुत शानदार काम किए, बहुत। बाकी अभी जज़ाकअल्लाह सर जी, थैंक यू सो मच सर। और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कोई किसी तरीके से ये सेशन जो है ना हमारा, ये कंटिन्यू रहे, और इसमें हम जो है ना, आप अगला सेशन कह रहे थे कि ऑयल पेंटिंग पे करना है, तो फिर इस वजह से मुझे हो रहा था कि शायद ऑयल पेंटिंग वाला पेशेंस ना मेरे अंदर शायद नहीं है। वो एक्रेलिक की इंशाल्लाह आपकी अगर कोई नेक्स्ट क्लास हो तो इंशाल्लाह मैं जरूर दोबारा से रजिस्टर। बेटा मेरा मकसद ये नहीं था, मैं अपनी पसंद पे नहीं कर रहा, अभी मेरे पास ऑयल का कोई स्टूडेंट जो है ना, मेरे पास ऑयल पेंटिंग में हाइट से बात है, बिल्कुल आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन वो सारे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो चाहते होंगे कि उसकी क्लास हो, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जो ऑयल पेंटिंग, लेकिन इंशाल्लाह जब आपकी एक्रेलिक की कोई न्यू क्लास हो तो आप जरूर इन्फॉर्म करेगा, फिर इंशाल्लाह दोबारा से मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हाँ जी, नहीं मैं ना ये जो ऑयल की क्लास है ना ये तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि उसमें अभी तक मेरे पास कोई बच्चा भी जो है ना एनरोल नहीं हुआ। क्योंकि सर मैंने आपकी वो ऑयल पेंटिंग जो ग्रीन वाली आपने बनाई थी ना अल्हम्दुलिल्लाह के कोपिक में जी, जो काई वाला ग्रीन कलर की थी, मैंने आपकी सिर्फ वो यूट्यूब से देख के मैं उसके ऑयल कलर लेकर आई, सब चीजें लेकर आई सिर्फ वो पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन वो पेंटिंग बनाने में मुझे तकरीबन 2 हफ्ते इस तरह से लग गए, क्योंकि वो 1.5-2 हफ्ते तक तो कलर ही ड्राई नहीं हुआ। और आपको पता है मेरे ये बच्चों का घर है, 2 छोटे हैं मेरे, उनकी शर्ट पे लग रहा है कभी कभी, कहीं लग रहा है, वो हाथ टच कर रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए उस ऑयल पेंटिंग को ड्राई करना, उसको ऐसी तैसी जहाँ पे भी रखो वहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं, उनके पेंट लग रहा है। तो एक्रेलिक का ये होता है कि वो फौरन 2 मिनट में ड्राई हो जाती है, तो वो इजीली बन जाती है। ऑयल में बड़ा पेशेंस चाहिए होता है कि आप उसको ड्राई करो फिर लिखो उसके ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन नहीं हम अभी कर नहीं रहे इंशाल्लाह ना इस पे, ऑयल पे तो कोई नहीं आता है भी है, शायद एक आधी कोई आया है। आज भी एक यूएई से बच्ची थी, उन्होंने यदि ना करना था ये इस पे ही कैलीग्राफी पे ट्रेडिशनल पे, तो एक क्लास वो चाह रही थी कि मुझे कैनवस पे मिले और एक इस पे ट्रेडिशनल मिले। बेटा ये मुझे दीजिए, ऑकर कलर नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैंने ना जी पेंटिंग को क्या कहते हैं, किसको, इस पेंटिंग को कर रहे हैं, ये स्टाइल को क्या कहते ये बोर्ड, ये जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ, ये सारा जो पेंटिंग और ये सर्कल्स आप बना रहे हैं स्टाइल को बना। बेटा ये कैलीग्राफी की एक मॉडर्न टेक्निक है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है कि अगर हम इसे कोई स्पेशल नाम दें, ये नहीं है। अच्छा चूंकि यहाँ पे आप देखिए ये मुझे ऑकर यहाँ से यूज़ हो रहा है ना, अब मैंने अपनी राइटिंग में भी थोड़ा सा साथ साथ ऑकर ऐड करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ऑकर कर रहा हूँ। बहुत आउटस्टैंडिंग, अभी तो ये थोड़ा सा डाला ना वो उसने, यानी ये देखिए एहसास के तौर पे, तो जब नीचे इसमें मजीद दायरे की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह और भी, मैं आपसे इंशाल्लाह इस पे ना बताता रहूँगा आपको। ये देखिए आप लोग भी एंजॉय करें मिक्सिंग। ये वाइट ब्लैक फ्रोजी डार्क ग्रे लाइट ग्रे और ये भी वाइट पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब मैं इस यहाँ पे कहीं पे मेरा फुल कलर कोई नहीं बना हुआ, देखे आपस में लड़ रहे हैं कलर, और यहीं से उठा के मैंने इन्हें अप्लाई कर देना।
इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ना वो भी वो कर डन हो गया। क्योंकि मैं अभी हम तसल्ली थी थोड़ी सी ना मुझे तो के एक रहती है क्लास तो एक वो था एक सुकून था कि चलो एक क्लास तो है कम से कम ना अभी होगी होगी होगी। बड़ा उससे ना एक थोड़ा सा आया कॉन्फिडेंस के हाँ कर सकते हैं इस तरह अच्छा कॉम्पिटिशन होते हैं ये सब चीज़ें बड़ी समझ आई तो बड़ी हिम्मत आई उससे और फिर जैसे थोड़ा सा ना कोशिश करी तो फिर थोड़ा सा हुआ थोड़ा बेहतर हुई शायद थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई तो थोड़ी सी हिम्मत आई करने की। देखिए आपने तो बहुत आपने और कोई बच्ची है फायजा लुबना फायजा और आपने ना इतना खूबसूरत काम किया हुआ है। एक वो पैनल में ना ग्रे कलर में काम किया हुआ है किसी बच्चे ने 3-4-5 पैनल है उसमें ग्रे कलर से आयतन कुर्सी शायद लिखी हुई है। जी सर वो मैंने लिखी बहुत आला आउटस्टैंडिंग काम और उसमें अभी लास्ट वाली देखी सर जो मैंने भेजी थी कुल वाला की चारों कुल लिखे थे रेड कलर की। हाँ जी वो भी अच्छी है गोल्डन लीफ वाली वो कंप्लीट करे तो फिर देखते हैं। हो गई है कल आपने कौन सी क्लास ली थी? तो आजकल मैं एक सुलझ थोड़ी सी लेती हूँ कभी कभी जब भी जाती हूँ मैं ऐसे टूटी फूटी क्लास ले रही हूँ कभी कर कभी बस दो तीन ही ले पाती हूँ ना तबीयत मेरी थोड़ी सुबह सही नहीं होती। अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे। तो जी सर मैं भी आजकल सुलझ की प्रैक्टिस कर रही हूँ इसी इनकी तरह थोड़ा ध्यान कम हो गया मेरा। अच्छा सर मैंने वो लफ्ज अल्लाह वाली के दूसरी शुरू की है तो वो आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते में दूंगी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक सर सुलस की कौन सी क्लास होती है? बेटा सुलस की हरूफ तहजी से स्टार्ट करवाई हुई है ट्रेडिशनल कैलीग्राफी उसमें हमारे यूएसए के स्टूडेंट्स भी हैं और दुबई यूएई के भी हैं और इंडिया से पाकिस्तान से बांग्लादेश से वो माशाल्लाह बहुत बिग सेशन है वो इसका ना ट्रेडिशनल कैलीग्राफी का बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कहते हैं जी कैनवास पे हम तब आएंगे जब हमें ट्रेडिशनल कैलीग्राफी आ जाएगी। वो भी है अपना अब्दुल हई साहब नेवरदलेस जब आपने ये करना है ना
कैनवस पे काम करना है तो आपको सुल्फ जरूर आनी चाहिए। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये नहीं हो सकता। आजकल हम पर वो जो मिलाकर करते हैं ना, मुरक्का पर जहाँ भी आता है वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वो इतने अच्छे नहीं लिखे जा रहे हैं कि तो माशाल्लाह सबके जो फर्क भी अच्छे होते हैं। वैसे चाहिए प्रैक्टिस, चाहिए बहुत प्रैक्टिस। चले अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और स्पेशली ब्रश से रखने में मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं सर, ब्रश से थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे। अच्छा। कलम से तो अच्छा लिखने लगी हूँ, बट ब्रश से प्रॉब्लम है थोड़ी। आप हमें दिखाते ही नहीं कलम से कितना अच्छा काम जाता है, क्या होता है? आप हमें पता ही नहीं कलम से कितना अच्छा लिख रही है, दिखाई नहीं रही। नहीं मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी, अब मैं जरा अच्छा शर्म आ रही है गंदा कहते हैं। अरे साथ ही आ गया ना उसी बात पे, मतलब पहले से तो इम्प्रूव हो गई हूँ। पहले से तो बिल्कुल बहुत इम्प्रूव हुई, बट इतनी नहीं हुई अभी, जरा अच्छा हो जाए। अच्छा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे सबके लिए और हमारे लिए भी इंशाल्लाह। मैं आपसे बच्चों की और हमारी जो है ना, ये बच्ची जन्नत अब बांग्लादेश से जो है, आप यकीन करें इतनी आउटस्टैंडिंग इसकी सोच हो गई है कि मैं तो जी जी सर वो जो जन्नत है उनसे कहें कि वो ग्रुप पे भी शेयर करें। अच्छा ये ना मैंने आज तक कभी किसी को फोर्स किया नहीं है बेटी। नहीं नहीं कोई नहीं, अगर है जन्नत तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आफ्टर क्लास आई विल सिंग इंशाल्लाह। या जन्नत आई वुड लव टू सी योर वर्क और लुबना और खदीजा, ये बच्चियां जो है ना, ये माशाल्लाह इनकी पेंटिंग में बहुत ज्यादा जो है ना। और ये बाजी आपने जो बहन, मैं अगर मेरे मुंह से बाजी निकल गया तो ये तब भी आप मेरी बहन है, मुझे माजरत के आप मेरी छोटी बहन है या बड़ी है मुझे नहीं, लेकिन मैं रिस्पेक्ट में आपको कह रहा हूँ बाजी। तो वो ना आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी है, आप भी माशाल्लाह लगता है काफी पुरानी इसमें ना खिलाड़ी है। नहीं, 4 साल छोटी, आधी जिंदगी मेरी गुजर गई 4 साल में। आठ तो आठ 4 साल पहले। नहीं ये बड़ी बात है कि अच्छा आपका टीचर भी कोई नहीं है? नहीं टीचर तो यूं नहीं है, ऐसे सभी खुद ही किया वो यूट्यूब से देख के। अच्छा तो मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ, अभी आपने मेरे सामने कह दिया कि आपका मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ना। आपने मेरे सामने कह दिया मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप दुआ करें अल्लाह ताला आपको। आपके आपके अलावा कोई नहीं है सर? तो आपने तो अभी कहा कोई भी नहीं है, चले कोई बात नहीं। पेंटिंग में सिर्फ आपकी बहुत सारी चीजें जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन मतलब ये बनाती रहती हूँ जैसे ना समझ में आया, इतना कभी गाइड नहीं किया हुआ किसी ने मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह शुरू से जैसे। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और हिम्मत दे।
ये जितनी मैं बना रहा हूँ, अगर आपके पास कैनवस और कलर्स मौजूद हैं तो काइंडली आप इस पे जारी रखिए, और अगर आप इसे सिर्फ देखना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, पहले देख लें बाद में इसे जो है ना बनाती रहे। लेकिन ये है कि ये हरूफे सर, जी जी इसकी पूरी पेंटिंग ना फ्रंट से पिक्चर शेयर कर दीजिएगा तो फिर हम उसको देख के तो करेंगे बना। फिर आपने तो सबसे पहले ग्रुप में भेज दिया। आपने इसकी पहली वीडियो कभी सेंड की थी? हाँ जी जी, वो पब्लिक है, वो पब्लिक है। मैं कह रहा हूँ जी, मैं कह रही थी राबिया ने जी, सॉरी जी सर। थैंक यू बेटा बाजी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मैंने तो ये इसकी पिक्चर सेंड कर दे दी है, दूसरे दिन खतीजा बेटी ने ना ये ग्रुप में भेज दे रही, लो जी मैं भी बनाती हूँ। ये जय माशाल्लाह, बड़ी बात लाइयत है ये बच्ची ना। खतीजा हमारे लिए भी दुआ करो, क्या मैं भी आ जाए। भाजी मेरी एक जैसे भी बहुत सारे कैनवस है ना, भले एक कैनवस पे तुम करके दिखा दो छोटी सी वीडियो और फिर बस एक एक करके दिखा दो, फिर अगे असि आपे कर लेंगे। हाँ जी बाकी हम खुद कर लेंगे, है ना। बाकी हम खुद कर लेंगे, तो बस एक इशारा दे दो जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह डायरेक्शन में चले जाएंगे। बेटी खराब हो जाएगा ब्रश बेटा, से दे हमें स्टार्टर दे दे। ओके जी इंशाल्लाह, मैं ना एक आध दिन में ही ना फर्स्ट वीडियो लगाऊंगी। एक्चुअली मेरी कोशिश है कि पहली वीडियो जो है ना वो बिस्मिल्लाह की हो, तो इसीलिए आपके भाई ने भी शुरू किया ना सर, आपने ग्रुप पे शेयर किया जी। वो मेरे भाई ने स्टार्ट किया चैनल, उसको हमने बहुत हार्डली मोटिवेट किया है यार। वो इतना मतलब लेजी बंदा है ना कि उसे बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने ना बोल नहीं सकता। आपको मोटिवेट करने का लिखा क्या तरीका होगा हमें वो बताओ। मुझे नहीं, आप लोगों को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इंशाल्लाह ना जल्दी बस आऊंगी आप लोगों के साथ। एक्चुअली मैं जब सोचती हूँ ना कि मैंने आज वीडियो बनानी है या फिर मैंने कोई सेटअप लगाना है, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए काफी दिन तक मैं सोचती ही नहीं। आपको बताती हूँ आंटी, ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। इस पेंटिंग की आप बात कर रही है ना, मुझे बताइए जी सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट इसी से किया मैंने। अच्छा अब आपने पता है क्या करना है, आपने इसको मर्ज पता है कैसे करना है, जो भी आपका ये स्पेस है ना नेगेटिव जो है, लाइक इस पे आपने व्हाइट रखा है,
आप यहाँ पे अगर व्हाइट भी रखना चाहती हैं तो व्हाइट आप इसके बॉर्डर के साथ ऐड करेंगी, यहाँ पे पूरे बॉर्डर के साथ फ्लड के अपने बॉर्डर पे लगाएंगी, आप चाहें तो पूरे पे लगा लें। अच्छा, आपने यहाँ पे जो भी कलर रखना है, ब्लैक रखना है ब्लैक रखें, जो आपका दिल चाहे, उसके साथ जब आप ये कलर्स मर्ज करेंगी ना तो ये आपके इस तरह जो है ना ब्रेक नहीं होंगे एकदम से, और ये बड़े खूबसूरत जो है टेक्सचर देंगे, इसमें जो सेल्स आएंगे ना वो इस पेंटिंग की ब्यूटी होंगे। ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपने राइटिंग करनी थी, आपने इसीलिए इसको वाइट छोड़ा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका ये टेक्सचर जो है ना ये बड़ा ही खूबसूरत मर्ज हो जाएगा, वाइट इसमें आ जाएगा और ये वाइट में चला जाएगा। दिखाइए मुझे। आप जितने मर्जी पूछिए बाजी। जी मुझे ये पूछना था कि वो मैं जो अल्लाह के नामों की पेंटिंग जो आपने बनाई थी, कहीं पिक्चर आपने वो की थी, उसको मैं फॉलो कर रही थी अभी, तो उसमें आपने जो बॉक्सेस बनाए थे ना कार्डबोर्ड से, तो वो मैं कर रही हूँ अल्लाह के नाम लिखने के लिए, तो मेरे बहुत स्मूथ एजेस नहीं हुए, तो उसमें बहुत स्मूथ होने चाहिए। जी बाजी, बाजी देखिए चारों एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बने। मैं बताता हूँ, अगर वो नहीं बने ना तो आप ब्लैक मार्कर के साथ बाद में स्केल रख के उनको इक्वल कर दीजिए ब्लैक के साथ, कोई बात नहीं अगर अगर नहीं हुए। अच्छा, सही, ठीक है, लेकिन तो, वो टेक्सचर तो अच्छा बन गया मार्बल का जो आपने बताया था। जी हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ना पर्सनली मुझे मैं ग्रुप में बहुत कम मोहम्मद वाली जो भी मैंने पोस्ट की थी पिक्चर, मुझे ना आप पर्सनली भेजा करें, मुझे आप पर्सनली भेजा करें, मैं ग्रुप में बहुत कम देखता हूँ, कभी कभार इत्तफाक होता है तो उससे ये होता है फिर अब ओपिनियन देने में थोड़ी ना आसानी रहती है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजह ये है, यहाँ देखे ना यहाँ ब्लू चल रहा था, जी 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 मिठू भी सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा सारा दिन नहीं ये बोलता, जब मेरी क्लास शुरू होती है तो ये फिर चुप नहीं रहता, चुप भी नहीं करता, वो एक्साइटेड हो जाता है ना। जी जी, आर्ट सीखना है। हाँ जी बिल्कुल। आपके हां जी
ये इतने दूसरी क्लासेस में तोता इतनी बातें नहीं करता जितनी इस वाली क्लास में करता है। अच्छा बिल्कुल सही बात है। अच्छा इधर ये असल में लेटर नाइट कैलीग्राफी की क्लास में भी और दूसरी क्लास भी यूएई वाली भी जी। तो उसमें नहीं इसकी आवाज आती, इस क्लास में पहले मैं आती थी तो इसमें बहुत उसकी आवाजें आती थी और आज भी आ रही है। अच्छा मैं वर्ड कह रही थी कि उधर नहीं बोलता। उसकी उसकी वजह ये है कि ये इसके सोने का टाइम होता है। अच्छा सही It's too late. अब मेरा खाना क्या टाइम हो गया रानी? सर 11 बज गए। वो मानूस हो गया हमसे। हाँ जी 11 बज गए, इसको सोना है, हम शोर कर रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं भाग जाओ। देखो ऐसे वो खतीजा को अप्रिसिएशन तो नहीं दे रहा अच्छा मैं उस वक़्त के इंतज़ार में हूँ कि जब बच्चे जो है ना अपनी पेंटिंग्स वो बना बना के खुद से, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सोशल मीडिया पे तो बच्चे जो है ना कॉपी करके तो लगा देते हैं और बड़ा मुझे अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स हैं बच्चे जो बेचारे अपना जो तालीमी खा जाते हैं वो पूरा करने के लिए, बल्कि मैं तो उनको फिर वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा आप अब इसके साथ साथ इसे सीखते भी रहें लेकिन अपना और ज़्यादा जो है ना होमवर्क वो कोई पेंटिंग वो बना के उसे कोशिश करें कि वो आप सेल करें, और ये जहन में मत रखें बनाते हुए कि आप इसे सेल करेंगे, क्योंकि अगर आपके जहन में सिर्फ पैसा आ गया बच्चों तो फिर आप सीख नहीं सकेंगे। ये बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें मैं ये बात कहता हूँ, तो इसलिए कि अगर किसी का भला होता है ना बेटा तो अल्लाह बड़ा भेद दिया। सर मैं पूछ रहा हूँ आप जैसे किसकी इजाजत देते हैं अपने को के अगर वो बनाए तो वो सेल कर ले आपके जो आपसे सीख के बनाई हूँ। मुझे समझ नहीं ये आप पूछ रही हैं। सर मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी हाँ जी खुली इजाजत है देरी तरफ से पेंटिंग के ओनर हैं सर से इजाजत नहीं। अब फिल वक्त हमारी वीडियोस पे कॉपीराइट्स हैं बाकी पेंटिंग्स पे कोई कॉपीराइट्स नहीं। अल्लाह अल्लाह का कलाम है और ये जो बच्चे जो है ना बनाना चाहते हैं बनाए, और जिनको देखे सारे ही ये दुनिया जो है एक मिक्स मिठाई की दुकान है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कोई बहुत वेल सेटल है, कोई मिडल है, कोई बहुत थोड़ा लो है, कोई बेचारे बिलो द पॉवर्टी है तो ये दुनिया एक इस तरह है, किसी का मेरे से तो कम अज़ कम दिल नहीं तोड़ा जाता अगर कोई बनाता है। कई बच्चे हैं जो मुझे वो कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर ये हम बना लें, पूछते हैं, तो मैं तो फौरन से उनको यही कहता हूँ बेटा लाजमी बना लें आप। जो पेंटिंग जो थीम हम पब्लिक करते हैं ना उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, वो आप लोग पेंटिंग बना सकते हैं, इनफैक्ट उसे सेल भी कर सकते हैं। बेटा आज का हमारा जो ये सेशन है ना ये हो गया है एंड समाप्त, और हम इंशाल्लाह बारी ताला इस पेंटिंग का जो कंप्लीट व्यू है वो भी आपके सामने ही बनाएंगे। अभी आप इसे गौर से देखिए, अभी ये बड़ी लाजवाब कैलीग्राफी होगी इंशाल्लाह ताला। आपसे
दरख्वास्त है कि अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दिल चाहे सब्सक्राइब करें, आपका दिल चाहे ना करें, किसी पे कोई ज़बरदस्ती है नहीं। बस ये है कि दुआओं में याद रखिएगा। मेरे नसीब मेरे अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले मुझे दिए हुए हैं, तो बहुत शाकर हूँ मैं अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे। और आप सब से भी यही कहता हूँ कि अल्लाह की अतात पे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमेशा शाकर रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।